हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं क्लिक हियर का बटन कैसे बनाएंगे एचटीएमएल में। एचटीएमएल में क्लिक हियर का जो भी बटन बनाना हो, बटन कोई भी आप बना सकते हैं, क्लिक हियर का फिलहाल हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे, तो ये नोटपैड ओपन हुआ, यहाँ से देखिए ये नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें एचटीएमएल से शुरुआत करनी है, तो यहाँ से लिखेंगे एचटीएमएल, लिख दिया। अब फिर यहाँ पे हेड आएगा, हेड पोर्शन, तो ये हेड लिख दिया। फिर यहाँ पे टाइटल आएगा, तो टाइटल क्या है हमारा, टाइटल है हमारा बटन, तो ये लिख दिया बटन। और यहाँ पे इसको बंद करेंगे टाइटल को, टी आई टी एल ई। फिर हेड को भी क्लोज करेंगे, तो ये हेड भी क्लोज हो जाएगा। तो ये हेड क्लोज होने के बाद यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करेंगे, ठीक है। और ये बॉडी टैग को ओपन करेंगे, देखिएगा बी ओ डी बाई बॉडी पूरा लिखना है आपको। और यहाँ पर अब क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है इनपुट टाइप टैग, तो ये लगा दिया इनपुट। और फिर यहाँ लिखा टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, और डबल डॉट कॉमा में क्या दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबमिट। क्या लिखेंगे, सबमिट। ध्यान दीजिएगा, ये सबमिट का बटन नहीं बना रहा हूँ, बटन तो बनेगा क्लिक हियर का ही, लेकिन यहाँ पे सबमिट लिखना जरूरी है। और यहाँ नेम दे देंगे, तो नेम इज इक्वल टू क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो एस यू बी एम आई टी, सबमिट हो गया, नेम इज इक्वल टू सबमिट हो गया। और यहाँ वैल्यू देंगे, वैल्यू, तो यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर जो दे देंगे ना वही चीज वहां पे आएगी, ठीक है। तो वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक हियर करते हैं, क्लिक हियर, एच ई आर ई, ठीक है। तो ये क्लिक हियर कर दिया, और क्लिक हियर डबल कॉमा में रहेगा, और डबल कॉमा बंद करने के बाद इसको भी बंद कर देना है, और बंद करके एंटर करके नीचे आइएगा, और यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज करिएगा पहले, ठीक है। तो ये बॉडी टैग को क्लोज कर दिया हमने, और इसके बाद एचटीएमएल को भी क्लोज करना है, तो ये एचटीएमएल भी क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस कर दीजिएगा। जैसे ही करेंगे तो ये विंडो आएगी, यहाँ पर इसको सेव करना है, तो हम उसी फोल्डर में सेव करेंगे। इतने आउटपुट क्या आया हुआ है हमारा, इसको चेक करना होगा एक बार। तो यहाँ पर चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं, और जी इसको ओपन करते हैं, जरा सा देखते हैं क्या आउटपुट हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर का बटन बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो क्लिक हियर है, ये बड़ा कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। तो बड़ा करने के लिए करना बड़ा आसान है, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट लिखा है ना हमने, देखिए ध्यान से, तो इनपुट टाइप तो सबमिट ही रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये नेम हटा देते हैं, ठीक है। नेम अभी हटाते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल। क्या लिखूंगा, स्टाइल, एस टी वाई एल ई, स्टाइल क्या रहेगा इसका, देखिए स्टाइल में इज इक्वल टू कर देते हैं हाइट, और ये डबल डॉट कॉमा में रहेगा, एच ई आई जी एस टी, हाइट की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बहुत बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं हाइट की स्पेलिंग, ठीक है। तो हाइट क्या रहेगा, हाइट इसका रहेगा 40 पिक्सल, कितना रहेगा 40 पिक्सल, तो ये 40 पिक्सल हाइट कर दिया हमने। और हाइट लिखने के बाद इसे क्लोज नहीं करना है, यहाँ टर्मिनेशन देना है, ठीक है। और विथ इसकी दे देते हैं विथ, यहाँ पर आपको पिक्सल लिखने के बाद हाइट 40 पिक्सल जैसे दिया, तो यहाँ पर क्या देना है, सेमी कॉलन देना है सकते हैं, तो यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं, तब डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हमने दिया हुआ है, देख सकते हैं वैल्यू, तो अब यहाँ वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, इसको क्लोज करके यहाँ लिखेंगे क्लिक हियर, ठीक है। तो ये क्लिक हियर हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया क्लिक हियर। और क्लिक हियर करने के बाद अब इसको सेव करने की जरूरत है, तो सेव कर लेते हैं। इनपुट टाइप की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पे बटन टाइप करना है, ठीक है, क्योंकि हम बटन ही बना रहे हैं, तो यहाँ बटन टाइप कर दीजिएगा, ये बी ओ, ये हो गया। और फिर यहाँ पे बटन को क्लोज कर दीजिएगा, बस यहीं पे मिस्टेक हो रही थी, बाकी सब तो ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्लोज करके सेव करिएगा, कंट्रोल एस करके, और ये सेव जैसे ही हो जाएगा तब इसको चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये डबल क्लिक करेंगे, अब देखिए ये साइज इसकी बढ़ गई, 40 पिक्सल पे इसकी साइज बढ़ गई।